कोटा बूंदी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, 5 लाख 7 लाख वोटों से जीतेगा। ये तो एक तरफा है पूरा। एक तरफा कैसे? मोदी जी का नाम ही काफी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मोदी जी को जिताना बेस्ट है। मेरे को याद नहीं है, इतना याद नहीं है, क्या बोला नहीं चाहते। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं मिजाज पब्लिक का क्या है, हमारे साथ कई व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है ये मोदी के चेहरे पर लड़े जाएंगे या राहुल गांधी की न्याय यात्रा या गठबंधन को देख के लड़े जाएंगे, इस क्या मिजाज रहता है पब्लिक का हम जानते हैं। सर, क्या लगता है आपको इस चुनाव के? ये चुनाव सनातन के ऊपर लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने देश आज़ाद हुआ जब से लेकर सनातन को और हिंदुस्तान को ख़त्म करने के अलावा कुछ नहीं किया। किस तरह से ख़त्म किया? धीरे धीरे इन्होंने चंदेखोरी भ्रष्टाचार के रूप में ख़त्म किया, जिहाद को धीरे धीरे इन लोगों ने आगे बढ़ाया और हिंदुत्व को ये दबाते गए। इस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान को ख़त्म किया। वो तो भगवान का, श्री राम जी का आशीर्वाद था जो नरेंद्र मोदी के रूप में एक अवतार हमारे देश में आया और उसने सत्ता संभाली और कांग्रेस को और भ्रष्टाचारियों को, आतंकवाद को और सनातन विरोधों को धीरे धीरे उसने ख़त्म किया। और एक बार मोदी जी की सरकार बनी, दूसरी बार बनी और तीसरी बार भी मोदी जी 400 पार ही नहीं, 450 पार जाएंगे। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? उन्होंने जो काम किया देश के लिए। काम किया? 370 धारा हटाई। अच्छा। राम मंदिर बनाया, देश की फौज को मजबूत किया और ब्लैक मनी भ्रष्टाचार के रूप में नोटबंदी करी जिससे बहुत फायदे दिए। महंगाई तो दिख रही है देश में? हाँ, महंगाई तो दिख रही है। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई के पीछे मत जाओ। महंगाई तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। सरकार के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे महंगाई को रोका जाए। महंगाई बढ़ेगी मगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और अभी कोटा बूंदी लोकसभा का क्या लगता है आपको? कोटा बूंदी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, 5 लाख 7 लाख वोटों से जीतेगा। कैसे? कैसे जीतेगा? मोदी जी के नाम पे जीतेगा। मोदी जी ने जो काम किया उस पे जीतेगा। जिस तरीके से क्या काम किए मोदी जी ने ये बताएंगे आप? मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। बताएं क्या किए? बता चुका हूँ मैं पूर्व में आपको। मोदी जी ने जो काम किए, 370 धारा हटाई, फौज को मजबूत किया। हाँ। पहला देश का प्रधानमंत्री है। अच्छा। जो फौज के साथ दिवाली मनाता है बॉर्डर पे जाके। पहले प्रधानमंत्री हमने देखे थे टोपियां लगा के मस्जिदों में जाते थे, इफ्तार करते थे। पहला देश का प्रधानमंत्री है जो गंगा जी में जाके स्नान करता है, महाकाल में जाके पूजा करता है, सनातन को आगे बढ़ा रहा है। अमरीका जैसा देश भी आज सनातन की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? सतीश भारद्वाज। ये हमारे साथ सतीश भारद्वाज जी थे और इन्होंने कहा है कि मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि अगर देश के लिए, विकास के लिए अगर कुछ करना है तो मोदी जी के नाम से जो लहर चल रही है ना, जीतेगा तो भाजपा ही, आएगा मोदी सरकार ही। कारण कि अगर आप अपने वर्चस्व को बचाना चाहते हो तो मोदी जी को जिताना जरूरी। जिस प्रकार कांग्रेस के कई नेता, दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस बीजेपी में पहला जीते, बीजेपी छोड़े कांग्रेस में, इससे क्या फर्क लगता है आपको कोटा बूंदी लोकसभा पर? उससे एक सीट से कोई नहीं फर्क पड़ता। फर्क तो ये पड़ेगा कि आप सिर्फ जीतने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो, सिर्फ आपको एक राजनीति करनी है, राजनीति का चेहरा बनते जा रहे हो कि आज आपने बीजेपी पकड़ ली, आज या कांग्रेस पकड़ ली। पार्टी विरोधी आप अगर देश की गतिविधियों के लिए चलोगे तो आपको सनातन का जो नाम आज चल रहा है उसमें, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हिंदू या मुस्लिम कोई नहीं, लेकिन बात ये आ रही है कि आज आप मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं दूसरी पार्टी बदल के चल जाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर आप उस पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो आपको रहना था, साथ था। मोदी जी के नाम से अगर आप चुनाव के वोट मांग रहे हैं तो साथ खड़े रहते, दूर जाने की जरूरत क्या थी? क्या रहेगा चुनाव कैसा? ये तो एक तरफा है पूरा। एक तरफा कैसे? मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। ठीक है, तो इनका कहना है कि मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि मिजाज क्या है इनका, ये किसको वोट करेंगे, क्या रहता है मिजाज पब्लिक का, क्या कहना है आपका सर? मैं चुनता हूँ कांग्रेस सरकार को, क्योंकि मोदी जी ने गवर्नमेंट में आए, वो हर चीज़ में लाए, तरक्की लाए, चाहा उन्होंने, कोशिश करा, लेकिन जिस हिसाब से
राहुल साहब हैं हमारे, वो लोगों में अपने दिलों को जीत रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं। हर शहरों में जा करके जिस तरीके से वो आयोजन कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं, अपना बूढ़ों को, बच्चों को, गरीबों को, हर उसमें मतलब सबके उसमें बैठ रहे हैं, सबके साथ बैठ रहे हैं। वो मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का मतलब विचार क्या है, वो विचार को समझ रहे हैं, लोगों के विचार को समझ रहे हैं और उस हिसाब से वो वर्क करना चाह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश के युवा नरेंद्र मोदी से भी तो बात जा रहे हैं, हाँ, वो भी तो मिल रहे हैं। लेकिन देखिए मोदी जी का जो वर्क है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, वो अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका सिस्टम जो है कुछ हिसाब से युवाओं पे बहुत कम चल रहा है। और राहुल गांधी जो है उस हिसाब से देखिए युवाओं पे बहुत वर्क कर रहे हैं। और क्या क्या वर्क कर रहे हैं? जैसे वर्क कर रहे हैं, देखिए वो कई मैंने गवर्नमेंट देखा, मतलब कि वो कई सिटीज़ में गए हैं जहाँ पर वो युवाओं से बुला के बैठ के बात कर रहे हैं किस हिसाब से कि आपको क्या मतलब, जैसे अभी देख लीजिए उन्होंने डिलीवरी जो होते हैं डिलीवरी बॉय लोग, उनसे बात की कि तुमको मतलब क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ पर, क्या क्या होता है तुम्हारे साथ, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट में आती है वो सॉल्व कर रहे हैं। हर एक शहर में जाके उनसे मतलब बात कर रहे हैं, आपकी मतलब नौकरी के विचार देख रहे हैं कि क्या है, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस हिसाब से हर वर्क कर रहे हैं वो, ठीक है। मोदी जी का ये सीन मतलब मैंने उस हिसाब से नहीं देखा। अच्छा, मेरा ये विचार है उनके ऊपर। क्या लगता है आपको इस चुनाव में कौन की जीत होती है लोकसभा में? मोदी चेहरे पर मोदी जी जीतेंगे या 400 सीटें जो कहने की बातें आ रही है? हाँ है, 400 सीटें कहने की बात आ रही है, लेकिन मुझे लगता है मोदी का चेहरे पे अब मुश्किल है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हर चीज़ पे, तो पहली बात तो टैक्स, कोचिंग पे टैक्स, जैसे मैं दे रहा हूँ हर कोचिंग पे टैक्स दे रहा हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना टैक्स अगर मैं कोचिंग पर ही दे दूँगा तो मैं बचाऊँगा क्या? तो क्या लगता है आपको इस बार मोदी सरकार बनती है? इस बार तो बाकी तो सब जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है इस बार तो राहुल गांधी। इनका कहना है कि इस बार राहुल गांधी। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनका क्या मिजाज है। आपका क्या कहना है भैया? अब की बार राहुल गांधी सरकार आएगी। राहुल गांधी सरकार किस इस तरह की, क्योंकि अपने गरीबों को इतना सता रहे हैं, किसानों को बहुत ही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि जैसे अपने अभी रेती पत्थरों की रोक लगी है इस राजस्थान में, बहुत समस्या बढ़ रही है गरीबों की। इस बार लिए प्रधानमंत्री आना जरूरी है राहुल गांधी को जी। मोदी जी की जो नीतियाँ चल रही हैं, जो काम चल रहे हैं उनसे? वैसे चल रहा, मोदी जी भी तो राम मंदिर उद्घाटन करा था, उसमें कोई गरीब नजर आया आपको? अच्छा, आया क्या? नहीं आया ना, इसलिए पब्लिक जानते हैं राहुल गांधी के बाद फिर से राहुल गांधी आना चाहिए। एक बार राहुल गांधी आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। ये विनोद जी थे, ये यहाँ पर गन्ने का ठेला लगाते हैं, और इनका कहना है कि जिस प्रकार से मोदी जी द्वारा कार्य किए गए हैं, उसके भले हम राहुल गांधी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी गरीबों के बीच जा रहे हैं, गरीबों के बीच बैठते हैं और वो सुनते हैं गरीबों की पूरी बात। तो इसी मिजाज को लेकर हम दूसरी ओर चलते हैं, उन और लोगों से जानते हैं क्या मिजाज है। सर बताएं कि इस चुनाव को लेकर आपका क्या मिजाज है? चुनाव का मिजाज वही है, मोदी जी की लहर है यार। क्यों? मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं सबके लिए, पूरे भारत के लिए जो कार्य कर रहे हैं सबको दिख रहा है। क्या कार्य कर रहे हैं बताएं? सभी कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए, देश के लिए। आज देश किस मुकाम पे पहुंच चुका है, मतलब इस चीज़ को सब जानते हैं। आज कांग्रेस का अगर एक सांसद बन भी जाता है तो क्या कर लेगा? सरकार तो बीजेपी की बननी है। तो अपन एक हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, अपन हर चीज़, हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मोदी जी को ही जिताना बेस्ट है। तो कोटा बूंदी लोकसभा में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रहलाद जी कांग्रेस में गए, क्या इससे फर्क पड़ेगा कोटा? कोई फर्क नहीं पड़े, एक हरा हुआ विधेयक क्या कर लेगा बताओ आप? ये जो सांसद की जो सीट है बहुत बड़ी सीट है, तो मेरा तो कहना यही है कि पब्लिक अब की बार 400 पे ध्यान दे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो ये राजेंद्र जी थे, इनका कहना है कि 400 दिखाएंगे हम। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। कुछ लोग तो कहना ही नहीं चाहते कि मिजाज पब्लिक का क्या है, कैसे वोट करेंगे, ये जो इनसे हम पूछना चाह रहे हैं ये नहीं कहना चाह रहे हैं। तो आइए इसके लिए हम आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजस्थान कवरेज अब सीवी गार्डन के अंदर पहुँचे हैं, जहाँ पर यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे क्या है इनका मिजाज। सर इस चुनाव में आपका क्या है मिजाज? मिजाज अच्छा है,
क्या सोचते हैं आप ये चुनाव, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नेता इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? भाई नेता तो क्या है, वोट तो हमें मोदी को ही देना है। अच्छा, और तो मोदी ने काम अच्छा किया, अच्छा किया, मैं तो मोदी जी को देंगे। अच्छा, भैया मोदी जी को ही जिताना है। मैं राजकुमार। राजकुमार बाबू जी, आप तो इतने साल हो गए आप तो वोट करते हुए आ रहे हैं, आपका क्या कहना है ऐसी जो राजनीति चल रही है इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो इन्होंने कहा जो ये, फिर भी आपकी तरफ से आप कुछ? बस हो गया काम ना, जो इन्होंने कहा उसी के ऊपर ही चलना है। मोदी जी को क्यों क्यों मोदी जी के ऊपर क्यों आप इतना विश्वास है आपको? भाई खरा आदमी है, कोई बेईमान नहीं है, ईमानदारी का काम है, गरीबों के आदि ध्यान है उनका। और क्या और भाई, जिस प्रकार से अभी राजनीति देखने को मिल रही है, बड़े नेता इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जाने, इससे क्या लगता है आपको? आम जनता को नुकसान है और क्या है उसमें? क्या वैल्यू बढ़ती है उसका छोड़ के अभी जिस प्रकार से प्रहलाद जी बीजेपी छोड़े कांग्रेस में, क्या क्या लगता है यहाँ पर आपको लोकसभा में? अब ये तो इतना तो यार मेरे को याद नहीं है, इतना याद नहीं है। क्या आप बोला नहीं चाहते? याद नहीं है। क्या नाम है आपका? बुड्ढे आदमी खुशीराम है। खुशीराम, ये खुशीराम जी थे, इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर आपका क्या मिजाज है सर? मिजाज ठीक है, वोटिंग करेंगे हम। किसको वोट आप करना पसंद करेंगे? जैसे लहर चल रही आ रही है मोदी चेहरे पर, बोला जा रहा है कि ये चुनाव जीते जाएंगे, या फिर न्याय यात्रा राहुल गांधी की जिस तरह से निकल रही है, गठबंधन है, इस पर आपका क्या कहना है? अब गठबंधन का तो ऐसा है कोई इनका कुछ पता नहीं चलता है इनका, और ऐसे ही फिर ये अलग अलग पड़ जाते हैं। तो ये कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव है, इसमें कुछ टाइम पहले प्रहलाद गुंजल बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में चल गए, क्या लगता है आपको इस सीट पर? नहीं, यहाँ से तो ओम बिरला जीता है, उसको हराना बड़ा मुश्किल है। ओम बिरला को, ओम बिरला ही जीतेंगे। काम करवाए उनने? काम तो करते ही हैं, काम तो। काम कौन सा, प्रहलाद गुंजल ने कौन सा काम कराया है क्या? तो ऐसे ही है, यहाँ से तो उनको हराना बड़ा मुश्किल है जी, ओम बिरला जी को। हाँ, अच्छा अच्छा, तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला है उनको हराने के लिए कोई भी आ जाए पर वो हारेंगे नहीं। आइए हम और बात करते हैं आगे। नमस्कार मैडम, आपका क्या कहना है मैडम इस चुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको जिस प्रकार के ये चुनाव होने जा रहे हैं? देखो हमें तो अभी इस बार तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी ही जीतेगी। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी जी से आप इतने प्रभावित हैं, क्या काम उनने देश को कराया बता सकते हैं? मतलब देश के लिए कर ही रहे हैं काम। देखो हमारी जो इतनी छवि है भारत के बाहर बनाई है, पूरे विश्व में उन्होंने जो स्थान बनाया हमारा, तो वो काफ़ी प्रशंसा के योग्य है। और अभी कोटा बूंदी लोकसभा है, चुनाव है, तो यहाँ क्या लगता है आपको कौन का चेहरा जीत का चेहरा? इस बार वापस मतलब बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी। आप देख रहे हैं मिजाज पब्लिक का कार्यक्रम, इसी तरह आप हमसे जुड़कर रहें, राजस्थान कवरेज कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।